हेलो नमस्कार जय हिंद हम लोग बात करने वाले हैं प्रवर्तन सिपाही भर्ती या इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के का संदर्भ में एक नया नोटिस के संदर्भ में बात करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखें वीडियो को लाइक कर दें शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया था सब्सक्राइब कर लें जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय, समय समय से मिलती रहे एक बात और बता दें क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखते नहीं और बाद में कहते हैं कि ये चीज़ें क्या बताया समझ में नहीं आया ये चीज़ें समझ में नहीं आया ये कहाँ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें इसीलिए छोटा वीडियो बनाते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी होती है चार पेंट चार

और इसके बाद भी वीडियोज आती रहेगी उसी में आगे एपिसोड दर एपिसोड आगे बढ़ती रहेगी और वीडियो आती रहेगी और जो लोग अभी तक पूरा सिलेबस नहीं पढ़े हैं प्ले बनी हुई है जाकर पहले पूरा प्ले जाकर पहले पूरा का पूरा पढ़ लें उसके बाद अब क्या होगा देखिए मैं जल्द ही पूरा का पूरा सिलेबस का जितना पढ़ाया हूँ उसका नोट्स एक बना रहा हूँ और जल्द ही दो चार दिन में हफ्ते दिन के अंदर ही आपको सभी को दे दूंगा नोट्स तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज जो है कि एक जगह सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे लैंग्वेज में आपके पास उपस्थित हो जाए जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और ये मैं जल्दी कर दूंगा तो आप नोट्स नहीं प्रोवाइड नहीं बनाए होंगे तो भी ठीक है बनाए होंगे तो भी ठीक है उसको ले लेंगे पहली बात दूसरी बात कोर्स की बात है तो एक बार पूरा कोर्स जो है कि इकतालीस बयालीस एपिसोड तक चला चला है पूरा का पूरा कोर्स पूरा एपिसोड एक बार देखना जरूरी है पहली बात अब क्या करेंगे क्योंकि यूपी ट्रिपल के जो पिछले एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स को ध्यान में रखकर जैसे लेखपाल का एग्जाम हुआ है जैसे का एग्जाम हुआ है तो इस प्रकार के यूपी ट्रिपल द्वारा जो भी एग्जाम्स होते रहते हैं उनको ध्यान में रखकर सोचना जरूरी है कि क्या इसका भी एग्जाम समय से हो जाएगा अगर समय से हो जाता है तो अच्छी बात है हम लोग भी चाहते हैं कि समय से ही हो जाए लेकिन अगर विलंब हो जाएगा समय से नहीं होगा छह महीना विलंब कर देगा तो क्या करेंगे इसके लिए जरूरी है कि हम एक बैकअप साथ में लेकर चलें साथ में एक बैकअप भी लेकर चलें इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का जब भी डेट जिस दिन भी एग्जाम का डेट आता है तो 100% परसेंट गारंटी कि कम से कम क्योंकि फीस भी जमा कराना होगा तो फीस भी जमा कराना होगा उसके बाद एग्जाम देना दिलाना होगा तो लगभग लगभग एक महीने का समय आपको मिलेगा एग्जाम डेट आ जाएगा तो लगभग लगभग एक महीने से का समय मिल जाएगा लगभग

कहीं से भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है अभी फिलहाल क्या है अभी फिलहाल बैकअप में रखते बैक हुए अभी फिलहाल इसके साइड में बैकअप में रखते हुए मैं ये कर रहा हूँ इसकी क्लासेज जो है कि तीन दिन का इसकी क्लासेज तीन दिन कर रहा हूँ फ्राइडे सैटरडे और संडे। आज फ्राइडे है लेकिन आज क्लास नहीं हुई इसकी तो फ्राइडे सैटरडे और संडे तीन दिन इसकी क्लासेज होगी चार दिन जो बचता है चार दिन पी ट्रिपल एस का जो पचपन सौ वाली बैकेंस पचपन सौ प्लस वाली जो वैकेंसी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे चार दिन उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे तो बैकअप साठ में लेकर चलेंगे अगर अगर आर पी एफ या कांस्टेबल के लिए आपको भरना है उसमें जाना है तो आठ साढ़े आठ बजे से आठ तीस पर सुबह लाइव करते हैं प्रैक्टिस सीरीज तो वहां से देख सकते हैं तो हम लोग बैकअप साथ में लेकर चलेंगे तो बेटर होगा ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो बाकी आपकी सफलता है मेरी सफलता है तो आपकी सफलता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हम हैं और किसी प्रकार से पीछे नहीं हटने वाले हैं किसी बच्चे को पैसे के लिए किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो जाएगी पैसे के लिए भी नहीं होगी कोर्स के लिए भी किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी हम हमेशा हर मोड़ पर हर एक परिस्थितियों में हर एक टाइप से हर एक लिमिट तक का आप लोगों के साथ रहेंगे फ्राइडे आ, फ्राइडे और सैटरडे तथा संडे ये तीन दिन इसके लिए रखते हैं इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के बाकी जो चार दिन बचता है सप्ताह में वो ई पी ट्रेपिली जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस करेंगे बाकी जूनियर स्टेंट्स अगर आपका नहीं है अगर किसी का आप नहीं है जूनियर स्टेडेंट आपका नहीं है तो बाकी आर के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आर के लिए साढ़े आठ बजे बैच चलाते हैं अगर से जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं एक साइड से बैकअप लेकर चलें तो बेटर होगा बाकी जिस दिन से डेट आ जाएगा उस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको लग जाना है और हम भी आपके साथ लग जाएंगे आपकी सफलता के लिए हम भी आपके साथ लग जाएंगे क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता होगी अभी के लिए इतना ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक कम से कम इस वीडियो को तो शेयर कर ही दीजिएगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे लेकिन अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोर्स अभी तक अगर नहीं पढ़े हैं तो पूरा सीरीज एक बार देखिए बयालीस तिरालीस जितने भी एपिसोड हैं सीरियल वाइज एक एक, एक करके पूरा एपिसोड देख लीजिए ठीक है द्रोण जी एस रिसर्च सेंटर के साथ बने रहने के लिए आप सभी के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद